हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टूल यूट्यूब चैनल को और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो वीडियो है वो आप कभी मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो स्टाफ नर्स की बहुत सारी वैकेंसीज निकली है तो इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है और इसका लास्ट डेट कब है और इसमें कितना पोस्ट है तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन, इसके तहत अभी 700 यानी कि 700 जो है वैकेंसीज खाली है रिक्वायरमेंट के लिए। और इसके लिए दोस्तों एक सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू होगा और वो होगा 1/12/2018 को, यानी कि 1 दिसंबर 2018 को। और ये जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो सुबह 10 बजे से शुरू होगा और इसकी जो प्लेस है, वेन्यू है, वो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 6 माइल, खानापारा, गुवाहाटी 22। दोस्तों ये जो होगा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 6 माइल, खानापारा, गुवाहाटी 22 में होगा। और इसके तहत जो 3% सीट्स है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया गया है। और दोस्तों इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपको होना पड़ेगा BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स कोई भी नर्सिंग स्कूल से जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल तहत रजिस्टर होना चाहिए और असम नर्सेस, मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल के तहत रजिस्टर होना चाहिए। दोस्तों ये NHM के ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप इस लेटर हेड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसकी डिटेल्स एडवर्टाइजिंग के लिए आप विजिट कर सकते हैं जो कि है nhm.assam.gov.in। और इसका जो ईमेल आईडी है वो है misnrhm.assam@gmail.com। और दोस्तों इसका जो रिम्यूनरेशन है वो है 16,500 पर मंथ अंडर रिविजन। और एक साथ इसके साथ साथ और एक नोट भी यहाँ पे दी गई है कि कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग अंडर NHM असम शैल नॉट अप्लाई एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। एनी सच कैंडिडेट इफ डिटेक्टेड लेटर ऑन देयर सिलेक्शन विल बी कैंसल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेट इमीडिएटली। तो जैसे कि दोस्तों ये जो पोस्ट है अभी तक तो 700 पोस्ट निकला है और ये फाइनल रिक्वायरमेंट के वक्त और इंक्रीज भी हो सकते हैं। और अगर आप NHM के तहत अभी फिलहाल काम कर रहे हैं तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करेंगे आपका सिलेक्शन भी हो जाए तो बाद में अगर पता चले तो आपको इससे टर्मिनेट किया कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसने ये कोर्स किया है ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो शुक्रिया दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए और आप जरूर जाइए 1 दिसंबर 2018 को इस इंटरव्यू देने के लिए अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तो। तो आज के वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे बहुत सारी खास इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।